मुगल बादशाह औरंगजेब के यहाँ उसके शिकारी जंगल से पकड़कर एक बड़ा भारी शेर लाए थे। लोहे के मोटे छड़ों का बड़ा भारी पिंजरा दो शेरों की लड़ाई के लिए रखा गया। शेरों का युद्ध देखने बहुत बड़ी भीड़ वहाँ इकट्ठी हो गई थी। औरंगजेब बादशाह भी ठीक समय पर आकर अपने सिंहासन पर बैठ गया। राजा यशवंत सिंह अपने 10 वर्ष के पुत्र पृथ्वी सिंह के साथ आए। उन्हें देखकर बादशाह ने पूछा, आपका शेर कहाँ है? यशवंत सिंह बोले, मैं अपना शेर अपने साथ लाया हूँ, आप लड़ाई आरंभ होने की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से वह जंगली शेर अपने पिंजरे से लड़ाई के लिए बनाए गए बड़े पिंजरे में छोड़ दिया गया। यशवंत सिंह ने अपने पुत्र को उस पिंजरे में घुस जाने की आज्ञा दी। बादशाह और वहाँ के सब लोग हक्के बक्के से रह गए, किंतु 10 वर्ष का बालक पृथ्वी सिंह पिता को प्रणाम करके हंसते हंसते शेर के पिंजरे में घुस गया। शेर ने पृथ्वी सिंह की ओर देखा, उस तेजस्वी बालक के नेत्रों को देखते ही एक बार वह पूंछ दबाकर पीछे हट गया, लेकिन शिकारियों ने बाहर से भाले की नोक से ठेल कर उसे उकसाया। वह शेर क्रोध में दहाड़ मारकर पृथ्वी सिंह पर कूद पड़ा। बालक पृथ्वी सिंह झट से एक ओर हट गया और उसने अपनी तलवार खींच ली। पुत्र को तलवार निकालते देखकर यशवंत सिंह ने पुकारा, बेटा तू ये क्या कर रहा है? शेर के पास तो तलवार है नहीं, फिर तू क्या इस पर तलवार चलाएगा? यह तो धर्म युद्ध नहीं है। पिता की बात सुनकर पृथ्वी सिंह ने तलवार फेंक दी और वह शेर पर टूट पड़ा। उस छोटे बालक ने शेर का जबड़ा पकड़कर फाड़ दिया और फिर शेर के पूरे शरीर को चीर कर दो टुकड़े करके फेंक दिया। वहाँ की सारी भीड़ पृथ्वी सिंह का जय जयकार करने लगी। शेर के खून से सना पृथ्वी सिंह जब पिंजरे से निकला तो यशवंत सिंह ने दौड़कर उसे छाती से लगा लिया। भारत के वीर बहुत महान हुए हैं, वो शेरों से युद्ध करते रहे हैं, पर भारत की फूट ने इस देश को गुलाम बनाया था। आज आवश्यकता है कि हम फूट से बचें और देश को फिर से महानता के पथ पर पहुंचाएं। आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। इति ओम शांति।